सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक तंवर के ताबड़तोड़ दौरों से भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन दिनों अशोक तंवर एक दिन में कम से कम 30 गांवों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के दौरान अशोक तंवर को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनके तमाम कार्यक्रम सफल साबित हो रहे हैं और ऐसे में भाजपा की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तंवर के कार्यक्रमों में जुट रहा जनता का हजूम ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सिरसा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने चोपटा में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की एक तरफा जीत तय है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे वायदे अब लोग पचा नहीं पाएंगे। जनता जुमलेबाजी से त्रस्त है और अब तंग आ चुकी है, लिहाजा कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी का हर जगह विरोध हो रहा है और विरोध की वजह यह है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, किसी भी वर्ग का कल्याण नहीं किया, सिर्फ झूठे वायदे और जुमलेबाजी की है। कम से कम 3-4 लाख से वो हारेंगे तो 1 लाख से जीतेंगे कहाँ से, ये समझो यार। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को एक तरफा जिताना है। आज केंद्र की सरकार बनानी है 23 हमारे मई को जब वोटों की गिनती होंगी, 12 को जब वोट पड़ेंगी और 3 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनानी है। तो दोनों हर वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर, आड़ती, छोटा व्यापारी, दुकानदार, नौजवान, माताएं, बहनें, 36 बिरादरी कांग्रेस के समर्थन में है और ऐसा समर्थन किसी और के पास नहीं है। हमारी भी जारी हो जाएगी, हमारी बनके तैयार है। जारी करने का शेड्यूल AICC के पास होता है, लेकिन सारा पूरी कांग्रेस की लीडरशिप और सब लोग लगे हुए हैं और आज एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा के अंदर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का सहारा लेकर के अपनी वैतरणी पार करना चाहती थी और नैया डूब गई है मझधार में। इनेलो की तो बात ही ना करो। इनेलो वैसे तो हमारे सब लोग प्रिय हैं, लेकिन इस चुनावी दंगल में ना इनेलो है, ना भाजपा है, ना जजपा है। हमारा मजबूत गठबंधन जनता के साथ है और जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। ये सोमनाथ कहाँ था भाई जब 5 साल पूरा देश रोया, बताओ आप। ये सांपनाथ, सोमनाथ, नागनाथ, ये कहाँ थे सारे नाथ? ना स्वामीनाथ था, ना वो कहीं किसी ने देखा, ना ये नाथ देखे। तो अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है, अब कोई भी नाथ आए। कल देखा नहीं, कल हमारा फतेहाबाद का उद्घाटन था कार्यालय का, और जैसे ही हम पहुँचे पूरा आंधी आ गई, तूफान आ गया। तो लोगों ने कहा भाई ये कांग्रेस की आंधी आ गई, तूफान आ गया राहुल गांधी के नाम का, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का तंबू सब फाड़ देगा। तो इसलिए तंबू फाट गया इनका और कैंडिडेट जो है मायूस है। इसलिए उसमें मायूसी में हर मायूसी में दिमाग का संतुलन खो जाता है। तो किसानों को कहते हैं बावड़ा। अरे भाई बावड़े इनको जिन्होंने आपको वोट दी, आपको जो है थोड़ी सी सीटों से उठा करके आपको पूर्ण बहुमत दे दिया, उनको बावड़ा कहते हो? अरे बावड़े जो है अब क्या इलाज करेंगे धारा? कितने शाणे लोग हैं ये, अब बताने का काम करेंगे? कहीं वो कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि चुनावी हार को देखते हुए और इस तरह की बौखलाहट इनके सामने है।